वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 13th ऑफ सितंबर, आज पहला व्लॉग लाइव हो रहा है। इस वाले व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि जो सोल है कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है, और आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो भाई सबवे आना पड़ा, बस समझ नहीं आई। सोल SOU तो ये है सबवे टिकट, मैं आपको बताऊंगा आराम से। अभी मैं जा रहा हूँ सोल स्टेशन। ये कोई बारबेक्यू चिकन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इन लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप की भाई यहाँ पे। मैंने बहुत वीडियो देखे कोरिया, किसी ने मेट्रो का ढंग से कुछ बताया नहीं, कैसे लेना है कैसे नहीं, मैप्स का भी पता है तो काकाओ ऐप का जो पूरे फंक्शन है वो डिफरेंट है। जो चिकन है वो मतलब यहीं पर पकाएंगे आई थिंक सो। तो ये सॉसेस इसमें डलेंगी और ये लाइव बनेगा। तो जापान में वुडन चॉपस्टिक्स मिलती हैं और कोरिया में स्टील की चॉपस्टिक्स मिलती हैं। और ये खाना हो गया है रेडी। प्राइस बताऊंगा मैं आपको इस पूरी मील का, काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने ये फोक मंगवाई है, अब ट्राई करते हैं ये। तो ये सॉस स्पाइसी है, द चिकन इज यमी। तो भाई 37,000 yen का, सॉरी 37,000 Korean won का बिल आया, लगभग 2,400 rupees कटे। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ऑफकोर्स मुझे आइडिया नहीं था। टेस्टी था गाइस, उसमें कोई शक नहीं है, बट बहुत महंगा था। ऑफकोर्स बाकी दिनों में मैं इतना खाने नहीं वाला बिकॉज मैं काफ़ी दिन रुक रहा हूँ कोरिया। तो अब देखते जाओ कितना महंगा है। यहाँ के रेस्टोरेंट महंगे हैं, अगर आप देख के नहीं बैठोगे तो बहुत सारा खर्चा कर सकते हो। हालांकि मेरे होटल के पास एक रेस्टोरेंट है सस्ता एंड बेस्ट, तो अगली बार से मैं वहीं खाऊंगा। दिस इज म्योंगडोंग स्ट्रीट। म्योंगडोंग में आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। आई कैन गेट इन द एयरपोर्ट राइट। दिस इज कोरियन बाइडंग ड्रिंक, सो यू आर गोना ट्राई। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर मी? इट्स ओनली इन कोरिया। कोरियन रेड बर्गर। एक्चुअली आई एम अ यूट्यूबर। वाओ। So I'll get like 2,000 won return. Guys, मैंने लिया है शेड्स बिकॉज मैं इंडिया में भूल गया था। तो ये शेड मुझे पड़ा 40,000 Korean won का, लगभग 2,500 rupees, और खाना पड़ गया 37,000 won का। तो आज तो मेरा बहुत खर्चा हो गया क्योंकि आज पहला दिन है, मुझे आइडिया नहीं है तो इसलिए खर्चा हो रहा है। कल से नहीं होगा, खाना मेरा वही है, आपको पता ही है, जो मैंने कल खाया था आई थिंक रात में, दिखाया नहीं था आपको मैंने। शेड लेना था ले लिया, महंगा पड़ा, बट एनी वे भाई ज़बरदस्त मौसम है आज, पता नहीं लग रहा है, धूप तो भूल ही जाओ। इस बार लगे हाथ स्टारबक्स देख ही लेते हैं कि यहाँ का कितना महंगा है। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर मुझे लगता है कि जापान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टारबक्स पे मैंने पूछा कि वेयर इज द रेस्टोरेंट, उनको लगा मैं बाथरूम पूछ रहा हूँ, मेरे को बाथरूम की तरफ भेज दिया। हालाँकि मुझे आई हुई थी, काम हो गया मेरा, बट रेस्टोरेंट की जगह बाथरूम भेज दिया भाई। यहाँ पर रूल है ऐसे रख के नहीं जा सकते, आपको वापस इसको टेबल पर रखना पड़ेगा उठा के। ये देख रहे हो ये डल्सो है, जापनीज ब्रांड है, सस्ती चीज़ें मिलती हैं और सबसे टॉप क्वालिटी। दिस टी मनी कार्ड, अभी बत्ती जली है मेरे दिमाग की एंड इसको मैं टॉप अप करा रहा हूँ 10,000 या 20,000 won से, एंड इसी को मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैंने रिचार्ज कर लिया 20,000 won से। इसके अलग अलग डिज़ाइन आते हैं इन कार्ड्स के। तो ये लिया है मैंने शेड्स, 2,400 का पड़ा। ये मैंने कार्ड ले लिया है टी मनी, ये ज़रूर लेना अगर आप कोरिया आ रहे हो तो, आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इसको टॉप अप कराना है। इसको बुसान में भी मैं यूज़ करूंगा और ये लाइफ सेवियर है, मतलब इसको भर लोगे कन्वीनियंट स्टोर पे खर्चा हो जाएगा, मेट्रो बस हर जगह भाई जा सकते हो। सो दिस इज़ दी कोरियन वॉन, 10,000 won का नोट है। और चीज़ें वैसे यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, कोई होटल जाओगे तो 20,000 won का आपका बिल आएगा ही। ये 10,000 won का नोट है और 50,000 won का भी नोट होता है, लेकिन फिर उसके लिए चेंज नहीं होते। साउथ कोरिया नहीं मानता साउथ कोरिया खुद को, साउथ कोरिया कोरिया मानता है और नॉर्थ कोरिया को कंसिडर नहीं करते साउथ कोरियंस। कोरिया साउथ कोरिया के हिसाब से नॉर्थ कोरिया उन्हीं का है। तो भाई आज था मेरा पहला दिन और व्लॉग मैंने यहीं पे किया एडिट। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मेरा दूसरा दिन है सोल में। अभी सो के उठा, सुबह 10:30 हो रहे हैं और आपको पता है कि सुबह सुबह उठ के मुझे चाहिए होती है कॉफ़ी। हालांकि मेरे हॉस्टल में भी है, बट मुझे यार थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए, मतलब मेरे को नींद खोलनी होती है। फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूंगा रूम में, प्लैंक हो गया, पुशअप्स हो गए, और देन आज हम जा रहे हैं गंगम स्ट्रीट। ये मेरी हो गई है फेवरेट, कल मैंने ली थी। तो ये टी मनी से पे किया मैंने, उन्होंने कार्ड रखा और पे भी हो गया। तो 3200 Korean won की कॉफ़ी है ये, लगभग 200 rupees कुछ की। तो एक्सरसाइज कर ली फाइनली,
दो सेट किए मैंने पुशअप्स के, स्क्वाट्स किए, प्लैंक किया, लंजेस किए बहुत सारे. अब जा रहा हूँ नहाने. जाने से पहले अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट में और पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन. ट्रैवल के साथ साथ मुझे लगता है कि फिटनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप अच्छे माइंड से ट्रैवल कैसे करोगे. मुझे एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन और 5.5 ग्राम BCAA मिलता है. बाहर ट्रैवल करते वक्त खाना वैसा मेंटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट दिस रियली रियली हेल्प्स मी. अभी तो देखो ये ट्रस्ट की सील के साथ भी आता है, आप स्कैन करके इसकी लैब रिपोर्ट तक चेक कर सकते हो. जो टेस्ट है वो बहुत ही डिलीशियस है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही जेन्युइन है. पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि मैं ले रहा हूँ बेसिकली दिन में दो बार, एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग और एक बार पोस्ट वर्कआउट. अच्छा खासा वर्कआउट करने के बाद अभी अभी हिंदुस्तान टाइम्स ने फैसिलेट किया है एज बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट. अमेजोन फ्लिपकार्ट का तो बेस्ट सेलर है. इसको लेते हैं एक स्कूप, जो दिन का रिक्वायर्ड प्रोटीन हम फुलफिल करते हैं, और अभी फिर इसके बाद निकलेंगे हम गंगम. सो ये मैं नया शेकर लेकर आया हूँ, और टेस्ट तो आप पूछो ही नहीं, बाय फार द बेस्ट. 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है. मेरा इसमें से फेवरेट है बेल्जियम चॉकलेट, जो कि मैं अपने साथ बाहर कोरिया भी लेकर आया हूँ. अगर आपको भी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना है और अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, दिस इज समथिंग यू शुड गो फॉर. रिजल्ट्स आर वेरी गुड. लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर सकते हो अभी, और अभी अपनी फिटनेस जर्नी और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कर सकते हो. तो ये था मेरा होटल, अभी 2 दिन ही हुए हैं. बढ़िया स्टे है, और वॉशिंग मशीन भी है, मैं दिखा चुका हूँ शायद आपको. तो कॉइन बेस्ड वॉशिंग मशीन है, और ये सारा कुछ 14,500 INR में हुआ है. कॉफी मशीन भी है, और यहाँ देखो आप, यहाँ पे आराम से कपड़े धो सकते हो अपने प्रॉपर, जो कि मैं एक दो दिन बाद धोने वाला हूँ. अभी 12 बज रहे हैं, अब चलते हैं गंगम. गंगम जो है अपनी नाइट लाइफ के लिए ज्यादा फेमस है, तो जब मैं नाइट लाइफ वाला ब्लॉग बनाऊंगा तब शायद मैं एक और बार जाऊंगा गंगम रात में. अभी हम सुबह जा रहे हैं, और आपको गाना याद होगा गंगम स्टाइल. गंगम स्टाइल जो गाना है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियो है, जिसपे मोर देन पता नहीं कितने बिलियन व्यूज है. और अभी हम वहीं जा रहे हैं फेमस गंगम. आके आई विल शो यू होंगडे स्ट्रीट. जैसे आप नॉर्मली कहीं पे भी खाओगे ना, तो देखो यहाँ पे ये प्राइजेस बाहर लिखे होते हैं, 7.9 ऐसे लिखा होगा. इसका मतलब इनटू 1000 कर देना, 7900 कोरियन वॉन का है ये. उसको डिवाइड बाय 16 कर देना तो INR में आ जाएगा. इतना एवरेज आपको खाना मिल जाएगा. अगर मैं कंपेयर करूँ जापान से, खाने के मामले में कोरियन फूड इज स्लाइटली टेस्टियर थोड़ा, मतलब क्योंकि आपकी इंडियन टंग होगी ना, तो आपको ये स्वीट चिली ज़्यादा अच्छा लगेगा. जापानीज़ फूड जो होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, टेस्टी भी होता है बट हेल्दी ज़्यादा होता है. ये खाना आपको बहुत यमी लगेगा. तो ये देख लो, ये रेट वगैरह लिखे हैं, 17,000, 18,000, 20,000 वॉन, 23,000 वॉन. अभी हम कन्वीनियंस स्टोर भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा. आज मेरे पास टी मनी कार्ड है, मतलब जिसके थ्रू मैं पूरे कोरिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ. कल से लेके अभी तक काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, मतलब सब चीज़ों को लेके. नाउ आई नो मेट्रो स्टेशन किधर है, कैसे जाना है. आज टी मनी कार्ड है ना मेरे पास, मैं इजीली ट्रैवल कर लूंगा. मैंने ककाओ ऐप डिलीट कर दिया बिकॉज वो आधा कोरियन था. मैंने नेवर ऐप डाउनलोड किया है, नेवर ऐप थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश है. आप भी नेवर कर लो, वो बेटर लगा मुझे ककाओ से. ककाओ इज मोर कोरियन, तो आपको शायद समझ ना आए. और ये कन्वीनियंस स्टोर है GS25, जो कि आपको कोरिया में ज़्यादा मिलेगा. कन्वीनियंस स्टोर थोड़े डिफरेंट है, यहाँ मुझे 7-Eleven थोड़े कम दिखे कम्पेयर टू जापान. जापान में 7-Eleven बहुत ज्यादा थे. वॉकिंग फ्रेंडली कंट्री एज आई सेड, इजीली आप वॉक करो. आज मैं वॉक बहुत ज्यादा करने वाला हूँ, आज बारिश भी नहीं हो रही है और मौसम अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है. एक ऐप है जिसका नाम है बुका चेक, BUCA चेक. उसमें आप NFC के थ्रू पता लगा सकते हो कि आपके टी मनी कार्ड में पैसे कितने पड़े हैं. तो कल जब मैं कार्ड खरीद के लाया, मैंने 20,000 कोरियन वॉन भरवा दिए, लगभग अराउंड 1200 रुपए, और ये 1200 मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ. जैसे कि मैंने बताया कि बुका ऐप है, जो बेसिकली इसको आप कार्ड को बिल्कुल पास लाओगे ना फोन के, NFC के थ्रू बता देगा कि कार्ड में पैसे कितने हैं. एक और चीज़ गाइज, जो हम सुनते हैं कोरियन मेकअप, कोरियन लड़कियाँ, दैट इज़ ट्रू. कोरियन गर्ल्स आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. मतलब आपको लगेगा कि जैसे आप कोई, पता नहीं, जो बारबी डॉल होती है ना, बिल्कुल वैसा वाला सीन है. स्किन फ्लॉलेस होती है इनकी, एंड दे आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल. और यहाँ मिरर्स बहुत मिलेंगे आपको, यहाँ पे लड़कियाँ आपको मेकअप सेट करते हुए दिख जाएंगी हर 2-3 मिनट में. अभी चलते हैं स्टेशन, यहाँ पे मैं टिकट लूँगा. कल तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जापान से पूरा सिस्टम ही अलग है. अभी देखो, ये देखो, तो देखा आपने कितना स्मूथ था, मतलब टिकट लेनी नहीं पड़ी. यहाँ पे दिस कार्ड फॉर द होल कोरिया, दिस इज गंगम,
ट्रेन हमारी इधर आएगी और अभी हम हैं हॉन्ग कॉन्ग यूनिवर्सिटी में। 1, 2, 3, 4 बहुत सारे स्टेशन हैं। तो गाइज आ गए फाइनली गंगम और मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे मिरर्स बहुत होते हैं। देखो यहाँ पे भी एक मिरर है और जगह जगह यहाँ पे एनिमेज मिलेंगे आपको। जापान जैसे यहाँ पे भी एनिमे लवर्स हैं, लेकिन जापान के जो एनिमेज हैं वो बहुत फेमस हैं, एक्चुअली वर्ल्ड फेमस हैं। एनीवे निकलते हैं एंड आई विल शो यू गंगम। सो गाइज दिस इज ई मार्ट, आप इसको कह सकते हो स्टारबक्स ऑफ 7-Eleven। बहुत सारे हैं बाहर लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा एक प्राइस दे देता हूँ। जैसे देखो ये चिप्स है, ये है 1700 कोरियन वॉन का डिवाइडेड बाय 16 कर देना। चिप्स वगैरह रखे हैं बाहर। यहाँ पे ये ओरियो बहुत चलता है, ठीक है, हमारे इंडिया में भी है। यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स हैं और ये है लगभग 2000 वॉन का। बहुत सारी चीज़ें हैं देखो, जैसे कि कुकीज़ वगैरह, हर्शेज की कुकीज़ आती है इधर, दैट इज़ अराउंड 2500 वॉन। रेट आप अपने दिमाग में लेके चलो, ये 1700 कोरियन वॉन का है। स्टिक्स अगर आपको हर्शेज चाहिए एक्जॉटिक डार्क, ये 1600 वॉन। बहुत चीज़ें मिलेंगी। प्रोटीन बार्स मेरे फेवरेट हैं, ये मैंने लिया था, ये बढ़िया था। हालांकि प्रोटीन बार जो जापान के थे ना गाइस, दैट वाज एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो दिस इज प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक। लेट मी टेल यू, साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन है। यहाँ लोग परफेक्ट दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, लिप्स के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, बहुत ही परफेक्ट दिखते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, यहाँ सिर्फ लड़कियाँ मेकअप नहीं करती, लड़के भी बहुत मेकअप करते हैं। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन है। जी आप निकलोगे ना स्टेशन से, आपको यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाएगा जिस पे लिखा है बीजिंग 952 किलोमीटर्स बाय डिस्टेंस, ठीक है। पेरिस 8000 कुछ किलोमीटर है, मॉस्को और भी दिया हुआ है, सिडनी 8300 किलोमीटर है और टोक्यो इज 1150 किलोमीटर। मतलब जितना दिल्ली बॉम्बे है ना दूर, उतना ही टोक्यो है, लगभग एक घंटे की फ्लाइट। और वॉशिंगटन सबसे ज़्यादा दूर हो, 11170 किलोमीटर वॉशिंगटन DC। दिस इज द गंगम स्ट्रीट भाई, मतलब फीलिंग आ रही है तरीके वाली, बहुत सुंदर, बहुत साफ। और आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पे आपको लग्जरी ब्रांड्स बहुत मिलेंगे। अगर आपको लग्जरी शॉपिंग करनी है ना तो गंगम स्ट्रीट आपके लिए बढ़िया रहेगी। एंड दिस इज सैमसंग शोरूम। जो सैमसंग कंपनी है इसका बहुत तरीके वाला डोमिनेंस है साउथ कोरिया में। मतलब साउथ कोरिया की 15% GDP जो है दैट इज बिकॉज ऑफ सैमसंग। सैमसंग का रिकॉर्ड है पिछले साल का, 71 मिलियन फोन्स बेचे हैं सैमसंग ने, कंपेयर टू एप्पल एंड हुआवे दैट वॉज 59 मिलियन। जो सैमसंग का मार्केट है वो अलग है, जापान, कोरिया, चाइना, बहुत तगड़ा मार्केट है। हालांकि इंडिया में डिक्लाइन हुआ है बट एक टाइम पे इंडिया में टॉप में था सैमसंग। सैमसंग के फोन्स आपको यहाँ सस्ते मिलेंगे अगर आपको यहाँ से परचेज करने हैं। There's something called Cacao Friends Cafe. मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। अब चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे ना मतलब प्यारे प्यारे से टॉयज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे एनिमे के शौकीन लोग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आपको एक ग्लास लेना है, इसमें कुछ एनिमेज बने हुए हैं, दिस इज़ अराउंड 15,000 वॉन, जो कि सही रेट है, उतना महंगा नहीं है। और अगर आगे जाऊँ तो ये बैटमैन भाई, एनिमे वाला छोटा सा कोई बैटमैन है, ककाओ 15,000 वॉन का। भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइन फ्रेंड्स, ये भी कुछ दूसरा टाइप का, अलग ही टाइप का स्टोर है, भी बहुत फेमस है। मतलब दिस इज लाइक कोरियन एक्सक्लूसिव, भर भर के एनीमे बना हुआ है। देखो यहाँ पे पावर पफ गर्ल्स भी बनी हुई हैं, इंडिया में हम बहुत देखते थे। ये देखो, ये आई थिंक ब्लॉसम है, जहाँ तक मुझे नाम याद है, ये बीच वाली ब्लॉसम है। बाकियों के नाम मुझे आप कमेंट करके बताओ क्या क्या हैं। बेसिकली यहाँ पे भाई बहुत ही क्यूट से टॉयज वगैरह हैं बच्चों के लिए, एनिमे से भर भर के यहाँ पे चीज़ें हैं। और अगर आप कुछ टी शर्ट परचेज करते हो तो उसमें भी एनिमेज बने हुए हैं। अभी ठंड आने वाली है ना, जैसे ये टी शर्ट है, लेट्स से स्वेट शर्ट बोल सकते हो इसको, तो इसका प्राइस है लगभग अराउंड, प्राइस यहाँ मेंशन नहीं है, प्राइस ये मेंशन है 22,000 वॉन का ये टॉय है। और ये 22,000 वॉन, ये अगर टॉय लेते हो 21,000 वॉन का है, ये 25,000 वॉन का है,
सब चीज़ें देख सकते हो लाइक एब्सोल्युटली डिफरेंट। और ये स्टोर आपको सिर्फ साउथ कोरिया में मिलेगा लाइक हर चीज़ में इसमें एनीमे बना है, हर चीज़ में जो उठाओगे ये देखो, ये पर्स देखो, ये आई थिंक इस मोबाइल कैरी कर सकते हो इसमें। लड़कियों के लिए आई थिंक ये जन्नत है, जन्नत, और बच्चों के लिए भी जन्नत है। ऊपर टॉयज देख लो अलग अलग टाइप के, है ना, कमाल की जगह। पूरे स्टोर में भी एनीमे ही एनीमे बना है। यहाँ पे जगह जगह पे ना आपको ऐसे देखो स्टार फार्मेसी, प्रिस्क्रिप्शन ब्यूटी, हेल्थ केयर, डाइट, कॉस्मेटिक्स, ये देखो हर जगह मिलेंगे। मतलब यहाँ पे इस चीज़ का बिजनेस ट्रिलियन डॉलर्स का है, ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है ये। यहाँ पे लड़कियाँ मतलब ब्यूटी के लिए तो मतलब कुछ भी करने को रेडी हैं। जैसे स्टार फार्मेसी, और ये देखो पूरा पिंक में इन्होंने लिखा हुआ है। सो भाई दैट इज़ दी एप्पल स्टोर, वहीं जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप कोरिया से आईफोन परचेज कर रहे हो तो आपको क्या प्राइस पड़ेगा, और क्या नया आईफोन यहाँ पे आ चुका है कि नहीं। 15 Pro 15 आया है कि नहीं, आई थिंक नहीं आया होगा, अभी US में ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे भी जापान जैसे ना वो चिड़िया जैसी आवाज़ आती है। और ये देखो भाई, दिस इज़ द एक्चुअल गंगम स्ट्रीट। गंगम स्ट्रीट नहीं, गंगम पूरा एरिया कितना सुंदर है। और गंगम स्टाइल सॉन्ग भी यहीं शूट हुआ था, गंगम स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 के सामने, वो जो आपको याद है ना। सो दिस इज़ द फेमस एप्पल स्टोर। ये दो दो इसलिए लगाए हुए हैं बिकॉज यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, जब ठंड पड़ती है ना तो इसलिए अंदर हीटर चलता होगा तब। Oh, interesting. The 14 Pro price has been... gone down. Yeah, it went down. It was like 150, you know, 1,055,000. It went down. Yeah. Interesting. How much? I think in USD it would be around, somewhere around 900. Yeah, around like 1,000. 1,000 USD, right. You know, 999. All right. भाई कितने हेल्पफुल था स्टाफ। ऑफ कोर्स एप्पल स्टोर का गाइस स्टाफ बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट। 13 लाख कोरियन वॉन का है आईफोन 14 प्रो, 13 लाख कोरियन वॉन को आप कन्वर्ट कर लो इंडियन में कितना होता है, और अभी कम हो गया है प्राइस, लगभग 2 लाख वॉन कम हुआ है आईफोन 14 प्रो का प्राइस। 15 प्रो कह रहे हैं कि ये लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट वीक या सेकेंड, 2 वीक में लॉन्च हो जाएगा कोरिया में। सो दिस इज 14 प्रो। तो जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है दैट इज 1,010,000 कोरियन वॉन, इसको भी मैं कन्वर्ट करके देखूंगा। 90,000 रुपये की तो इंडिया में है, बट 1,000,000 वॉन कितना हुआ आई हैव टू चेक, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे कोई अडल्ट शॉप भी है, मैं गया अंदर, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, ये वीडियो बच्चे भी देखते हैं। ये कोई चिकन विंग की कोई दुकान है, यहाँ जाते हैं एक विंग चिकन विंग का ले लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, यही हो जाएगा खाना। दस हज़ार 400 वॉन का बिल आया, मैंने एक डाइट कोक लिया है और चिकन विंग्स का कोई फ्लेवर था वो लिया है मैंने, और कह रहे थे मील का भी ऑप्शन था बट मैंने मील का ऑप्शन नहीं लिया। 10,000 वॉन मतलब लगभग अराउंड 600-700 रुपये का बिल आया। तो ये दोनों मुझे पड़ा लगभग अराउंड 10,400 वॉन का, 650 रुपये, और आई थिंक कोक आप अनलिमिटेड भर सकते हो, ठीक है। ये कोई चिकन विंग्स का कोई अलग सा फ्लेवर है, और 2 केचप भी ले लिया मैंने, और साथ में आई थिंक ये लोग ना ग्लव्स भी देते हैं। तो भाई खाना खा लिया, 650 रुपये का पड़ा, थोड़ा महंगा है। तो जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है सोल में जो रेस्टोरेंट्स हैं ना थोड़े महंगे हैं। कोको इची बारा, कोको इची बने हैं, आपको याद होगा अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं जापान के। तो यहाँ पे यार 14,000 से स्टार्टिंग है, 14,000 वॉन से, एंड ये जापनीज रेस्टोरेंट है, मैंने खाया था आपको याद हो तो। एक और लेडी क्लिनिक है, तो लेडी क्लिनिक्स आपको भर भर के मिलेंगे। स्ट्रीट का नाम है के स्टार स्ट्रीट, मैं चाहूँ तो बस से भी जा सकता हूँ, आराम से पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरा मन है थोड़ा वॉक करने का, बिकॉज जो वॉक करके आप एक्सप्लोर करते हो ना सिटी को वैसे आप कभी नहीं करते। ये वॉकिंग टूवर्ड्स के स्टार स्ट्रीट नाम है उसका, के स्टार स्ट्रीट। जैसे कि जापनीज वाइन्स बहुत फेमस थी आपको पता है, कोरियन वाइन्स भी काफ़ी फेमस होती है। तो एक दुकान है वाइन एंड मोर करके, ये वाइन्स के रेट लिखे हैं 39,200 वॉन, 1,60,000 वॉन, ये लगभग 10,000 के करीब है। 25,000 वॉन भी मतलब लगभग 1,500 की होगी। कोरियन वाइन्स भी बहुत अच्छी होती हैं। ई मार्ट 24, ये 7-Eleven
से 3-4 गुना ऊपर माना जाता है। दिस इज अ स्मार्ट स्टोर E-Mart 24। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, आपको लगेगा आप स्टारबक्स में जा रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको शिनचैन के टॉयज वगैरह कुछ कुछ ज़रूर मिलेगा। शिनचैन यहाँ पे भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। एंड यहाँ पे भी एनीमे जो है आपको बहुत सारा मिलेगा E-Mart में। ये बहुत ही क्लासी सा ये कन्वीनियंस स्टोर है। और ये जो डबल शॉट कॉफ़ी आपने सुबह देखी मैं पी रहा था, दिस वाज अराउंड 3200। और एक वनीला फ्लेवर में भी आती है, सोच रहा हूँ ये ले लूँ एक बार ट्राई करने पे क्या जा रहा है। एंड इट लुक्स डिलीशियस। कॉफ़ी लवर्स के लिए ये जगह हेवन है। कल ये जो ये ड्रिंक देख रहे हो ना, ये मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, आपको याद हो जब मैंने शेड्स लिया। मीट वगैरह मिल रहा है 2400 Korean won का, मतलब सबसे सस्ता मिलेगा आपको ये 2400 won/6 कर लेना, शायद 100-150 रुपए का होगा। कार्टून्स वगैरह बने हुए दिखेंगे। एंड ये देखो ये पूरे शिनचैन की फैमिली 1500 yen में। तो E-Mart में ये सब ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको। तो ये 43,000 won का है, लगभग 2500 का। एंड इसकी क्वालिटी वुड बी टॉप नॉच। ये 33,000 won। स्पीकर चाहिए तो 49,000। सस्ता है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक चीप है कोरिया में, सुना होगा आपने बहुत लोगों से। तो हाँ, और क्वालिटी इज़ एवरीथिंग टॉप नॉच। So, मैंने ये ले लिया, पता नहीं अब कोरिया के बाद। तो गाइस फाइनली हम आ गए के स्टार रोड, और आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तो कल मौसम बहुत ही ख़राब था, बहुत बारिश थी, आज क्लाउडी है, ठंडा मौसम है, व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट। जो आपने शॉट देखे इसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स दिए हैं ताकि ये शॉट्स बेस्ट आए। नाउ वी आर गोइंग टू के पॉप स्ट्रीट, बस पास में ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कहाँ पे सारे के पॉप स्टार्स के ना वो बने हुए हैं। दिस इज के स्टार रोड वेयर स्टार्स आर मेड, ऐसी टैग लाइन है। ये है कुछ फर्स्ट लुक इस रोड का। यहाँ देखो एनीमे वगैरह बने हुए हैं, और आगे जो है BTS स्टैचू भी है, वो भी देखेंगे। तो ये है मेन स्टैचू के स्टार रोड का, गंगनम स्टैचू, ठीक है, काफ़ी फेमस है। और के स्टार रोड जो है इस डायरेक्शन में है। सारे पॉप के पॉप स्टार्स के आप स्टैचू देखने वाले हो, BTS का भी है। यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड मिलेंगे आपको, लुई विटॉन, प्राडा, और देखो वहाँ पे भी लिखा हुआ है के स्टार रोड। तो यहाँ पे आपको सारे लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे, शनैल, यहाँ सारे के पॉप स्टार्स आते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी बहुत सारी, जी वैगन, अभी एक रोल्स रॉयस गई, फरारी गई, और मेरे पीछे एक और एक बेंटली जा रही है, ये देखो ब्लू वाली, ये बेंटली जा रही है। यहाँ मतलब लाइक इट्स द मोस्ट प्राइम लोकेशन इन सोल। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है के स्टार रोड, अलग तरीके से पेंट किया हुआ है इसको। सो ये कोई माइन्यूट, पता नहीं किसी को पता हो अगर ये क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ नीचे। तो गंगनम डॉल लिखा हुआ है, नॉट श्योर कोई बैंड का होगा, आई थिंक सो, और किसी को पता है एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, डू लेट मी नो। आई नो आप में से बहुत सारे BTS फैंस हो जो वीडियो देख रहे होगे। दिस इज़ अनदर गंगनम डॉल। आगे एक और गंगनम डॉल है, F7 आइसलैंड, ये डुकोबी। यहाँ पे गाने बज रहे हैं प्रॉपरली, अलग ही जगह है, अलग ही फीलिंग आ रही है। आपको याद होगा जब मैं गिंजा गया था टोक्यो में, बिल्कुल वैसी वाइब है। दिस इज़ अनदर गंगनम डॉल, यू नो मैक्स, और ये कोलैबोरेशन, और ये जो नीचे डिज़ाइन किया हुआ ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो मैं जैसे जैसे वॉक कर रहा हूँ और बहुत सारे गंगनम डॉल्स आ रहे हैं, एक और आया। और भाई ये स्ट्रीट में सिर्फ लग्जरी ब्रांड मिलेंगे आपको, मतलब ख़तरनाक वाले लग्जरी, जो कि मेरी औकात से तो बहुत बाहर है। हाँ तो मतलब अगर आप ऑफकोर्स अगर आना चाहो तो आ सकते हो। और सामने जो मुझे एक गाड़ी दिख रही है, वाह, इट्स Porsche, शनैल के सामने खड़ी है। तो हाँ मतलब भाई यहाँ पे पॉप स्टार्स के पास पैसा तो है ही। यहाँ पे एक और गैंगनम डॉल है, मतलब मेरे को लगता है बहुत सारी लाइन्स हैं और सब अलग अलग कलर्स की हैं, ये ब्लैक और वाइट पे। तो ये है जी वैगन, दिस इज़ माय ड्रीम कार, मतलब सपने में सिर्फ इसके लेता हूँ, मेरी औकात से बहुत बाहर है ये, बट हाँ पसंद है। आई थिंक ये लैम्बोर्गिनी है या Porsche, मेरे को सिंबल में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। दिस इज़ रोल्स रॉयस, वो पीछे खड़ी है टेस्ला, रेड कलर की वो टेस्ला है। दिस इज़ रोल्स रॉयस एंड दिस इज़ शनैल। दिस इज़ वॉलेट पार्किंग, जितने भी जो अमीर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं वॉलेट पार्किंग में, दे पे अराउंड 2500-3000 रुपये एक दो घंटे के लिए, शॉपिंग करेंगे शनैल से, महंगे महंगे सामान लेंगे और चलते बनेंगे। हाँ मतलब
ये रहा कार्टर का शोरूम, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ मुझे पता है भाई, जब कभी घुसे ही नहीं ना कभी देखा है महंगा तो प्रोनाउंस भी कैसे करेंगे, मैंने चैनल बोल दिया था एक ब्लॉग में। देखो एक और जी वैगन, ये मेरी फेवरेट कार है, देखो ये लैम्बोर्गिनी, ये वॉल्वो होगी, टेस्ला वेस्ला भी आपको ऐसी दिख जाएगी घूमते हुए, ये बेंटली अगेन, सिर्फ लग्जरी गाड़ियाँ दिखेंगी आपको इधर। एंड दिस इज भाई BTS गैंगनम डॉल। आगे चलते हैं और जितना जितना मैं वॉक कर रहा हूँ इस स्ट्रीट पे मेरा और भी ज़्यादा वॉक करने का मन कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपको अपार्टमेंट लेना है या होटल लेना है के पॉप स्ट्रीट पे तो बहुत महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ बाय फार द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट ऑफ सोल। मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई, वो मुंबई में है और 18 को फ्लाइट लेके आ रहे हैं सोल, तो शायद मैं 18 के बाद उनसे मिलूँ, मे बी तब मैं और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगा सोल को। हो सकता है बहुत चीज़ें मुझे पता ना हो, और अगर आप ये वीडियो सोल से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे DM कर दो प्लीज़, ताकि हम मिल पाएँ और आप मुझे थोड़ा घुमाने में मदद करो। ये एक और के पॉप बैंड होगा B1A4, उसका भी यहाँ गैंगनम डॉल है। बहुत सारे हैं लाइन से यार, और ये कम से कम 2 किलोमीटर लंबी रोड है। मैं वॉक करके ही आया हूँ 3.5 किलोमीटर, मैंने बस वगैरह नहीं ली क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। और अगर मौका मिल रहा है, आप भी अगर बाहर आओ ना, खासकर साउथ कोरिया, जापान या कोई बड़ी अच्छी सिटी में जो वॉकिंग फ्रेंडली हो, वहाँ वॉक करो, मैं रिकमेंड करूँगा। बस बस में घूम के आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने वाली। इसलिए मैं वॉक करके आया आराम से गाने सुनते सुनते, और अपने आप को भी इंजॉयमेंट दी और आपको भी मैं अच्छा व्लॉग दे पाया। तो आप जितने आपने सिनेमैटिक शॉट्स देखे सब तरीके से पेशेंस के साथ लिए हैं। वो सामने बिल्डिंग देखो पर्पल कलर की जिसमें रोजेस बने हुए, तो ये है इन्फिनाइट के पॉप बैंड होगा आई एम श्योर, और ये है कारा के पॉप बैंड अगेन, उसका भी गैंगनम डॉल आ गया। ब्लैक पिंक बहुत फेमस है गाइस, पहले BTS के फैंस और ब्लैक पिंक के फैंस थोड़े मतलब लड़ाई झगड़े में रहते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बट बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। देखो इस फोटो को, आपको पक्का कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, 3D लग रही होगी, आपको लग रहा होगा जैसे ये जो कार्टून बना है ये बाहर आ रहा है। This is something very different. ये पानी की बॉटल ली मैंने 1100 वॉन की, डिवाइड बाई 16 कर लेना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, और मैंने ये पैसे दिए टी मनी से। तो भाई वो गाड़ी देख रहे हो आप, कमाल की है। अब चलते हैं वापस होंगिक यूनिवर्सिटी साइड। भाई काफ़ी डीप है और एक बंदा ही खड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो ये कोई बेकरी शॉप है, ये कोई वॉफल है, 5200 वॉन। मैं थोड़ा गलत चला गया था एक्चुअली, उल्टा चला गया था, अभी वापस सही जा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म एक ही है बेसिकली और लाइंस अलग अलग हैं, कंफ्यूजिंग एक्चुअली, यहीं फंस गया मैं। फाइनली आ गए होंगडे स्ट्रीट, और यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड वगैरह मिलेगा। मेरे को ना वॉफल खाने हैं क्योंकि यहाँ वॉफल बहुत फेमस हैं, और अभी ठंड हो गई है शाम को, लगभग 17-18 डिग्री होगा। इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट वेदर। और यहाँ ना आपको ये फोटो बूथ बहुत मिलेंगे, हारू फिल्म, यहाँ पे ना ये फोटोज़ देख रहे हो, ये सारी लड़कियों ने फोटो अंदर खिंचवाई है। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसी फोटोज़ खिंचवा सकते हो, आपको ये हर जगह मिलेंगे ये स्टूडियोज। यहाँ पे लड़कियों को भाई, और हर जगह मिरर भी मिलेंगे आपको, जहाँ पे कोई ना कोई लिपस्टिक लगा रहा होगा या मेकअप लगा रहा होगा। और मेट्रो में तो भाई मैंने 5-10 लड़कियाँ ऐसी देखी, मतलब जो भी सर्जरी करा के आई हैं, मतलब प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ बहुत कॉमन है। हाँ मतलब इंडिया में आप सोच सकते हो ना कि यार बड़ी चीज़ है, यहाँ बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ बहुत नॉर्मल है। ये एक और विविट म्यूजियम है, मेरे को बताओ 100 मीटर में 3 दिख गए। सो दिस इज होंगडे स्ट्रीट। अगर मैं आपको और एक थोड़ा ऊपर वर्जन दिखाऊं, सामने 7-Eleven है, अगर यहाँ प्रोटीन बार मिल जाती तो मैं जाके ले लूँगा। तो मैं ये कपड़ों की बात कर रहा था, होंगडे स्ट्रीट पे आपको अच्छे खासे रेट पे मिल जाएंगे। ये देखो 20-30% ऑफ चल रहा है इसमें, 50% ऑफ है। तो जैसे अगर एक शर्ट, और क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी गाइस, यहाँ पे क्वालिटी की किसी कोई बात है नहीं। ये 37,000 वॉन है, -50% कर दो, लगभग 15-17,000 वॉन की ये शर्ट मिल जाएगी। तो 1,000 रुपये तक आपको यहाँ पे शर्ट्स काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगी, बहुत मस्त मस्त हैं। मैं बाद में लूँगा बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ रेट वगैरह। तो वॉफल काफ़ी फेमस होते हैं, एक लेते हैं यहाँ से वॉफल पे। भाई BTS का प्रमोशन चल रहा है, जिमिन इज़ अ BTS मेंबर, तो मैंने बनाना पीनट बटर वॉफल लिया है। ये मुझे पड़ा 3,900 कोरियन वॉन का, कन्वर्ट कर लेना 250-300 का होगा, बट यहाँ के वॉफल बहुत फेमस हैं। This is Andy, and you have been to Bengaluru, right? Yeah. After 2 months, you're going to Bangalore. Yeah. We have planned to go to Bangalore. Okay. For preaching the gospel. Perfect. Yeah, praise the Lord.
Okay, and that was like too beautiful. That was too good. Yeah. Let's praise the Lord. Yes. You know why? We met Jesus Christ. Wow. Yeah, not face to face, but he met us. And then our life will change. I'm confident to say that I'm free from sin. Wow. Yeah. That's wonderful, actually. One of them, they lots of testimony then. Wow. That's so nice. Come to the room. So I hope आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. एवरेज बता दूं मैं कि लगभग 2000 पर डे का रूम, दैट इज़ बेयर मिनिमम आपको मिलेगा. मतलब 2000 से कम का फिर आप शायद आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट 2000 मिनिमम लगेंगे आपको अगर एक नॉर्मल डिसेंट रूम चाहिए. और हज़ार से 1500 रुपये आप डेली का मानो खाना पीना, लगभग 3500 रुपये डेली आपके लगेंगे स्टे और खाने पीने में. दिस इज़ द बेयर मिनिमम. और भी कम कर सकते हो चाहो तो, अगर आप खाना 7-Eleven से ही खाओ पूरे समय. This is how expensive is Seoul. So I hope आपको vlog पसंद आया. अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको vlog अच्छा लग रहा है, so keep supporting me. इस vlog को इतना share करो ताकि मैं ऐसे ही efforts सारे vlog में दे पाऊँ और आपको बेहतर से बेहतर content दे पाऊँ. आपके share से, आपके like से मुझे support मिलेगा, जिसकी वजह से मैं आपके लिए content और अच्छा create कर पाऊँगा. Thank you very much for watching this video guys. Take care. Bye bye. See you in the next vlog.